तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मेरी मॉर्निंग बहुत लेट स्टार्ट हुई है और भाई आप सोच रहे होगे कि भाई मैं ऐसे भी अभी थोड़े नींद में क्यों, और जबकि हो रहे हैं 2 बज रहे हैं। भाई एक्चुअली क्या है, दिल्ली में चल रहा है प्रॉपर G20, और G20 के चक्कर में फुल, आप मानोगे कंप्लीट लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, देखो डाइवर्जेंस बता रहे हैं लोग, बट भाई आप मानोगे दिल्ली के सारी रोड, सारे मेजर एरिया, जितने भी आसपास के एरिया सब बंद है। मैंने कल रात को एक मैप का स्क्रीनशॉट भी लिया था, जिसमें रोड एनक्लोजर्स के ऊपर पूरा वो था, वो रेड मार्क्स बने हुए थे कि ये रोड क्लोज है। तो मैं यहाँ पे चला दूंगा भाई, बहुत स्केरी सीन हो रखा है। बट भाई आपको मैं दिखाऊंगा कि भाई दिल्ली वाले क्या जिंदगी काट रहे हैं G20 लॉकडाउन में। लॉकडाउन तो नहीं कह सकते, अगेन आप निकल तो सकते हो घर से, बट भाई रिकमेंडेड है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट लो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में मेट्रो, वरना भाई घर से बाहर ही मत निकलो। और वैसे भी ऑफिस वालों की छुट्टी है, यहाँ पे मेजर दुकानें बंद है, गवर्नमेंट ऑफिसेज बंद है, तो इस चक्कर में। और मैं कल रात को न्यूज़ भी देख रहा था, तो जो बाइडन आ रखे हैं प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, कल वो कल रात को आए थे, और बाकी बहुत सारे वर्ल्ड लीडर्स आ रखे हैं, तो भाई क्रेजी सीन हो रखा है। प्लस भाई डॉलर भाई साहब हमारे ये घर के लीडर, ये सो रहे हैं क्योंकि भाई मम्मी तो है नहीं, और इन पर कुछ करने को है नहीं, तो ये सो रहे हैं बस, और अपनी पेनी सो रही है यहाँ पे। इनका खाना वगैरह मैं दोनों का रिफिल कर जाता। अभी क्या है भाई, मेरे को ना बाल बाल कटाने और थोड़ी दाढ़ी शेप करवानी है। दाढ़ी मैंने क्लीन करवाई थी शेव, बट उसका शेप नहीं करवाई, तो शेप करवाने चलता है। और एक बार आपको बाहर का माहौल दिखाते हैं भाई कैसा चल रहा है सब बाहर। तो भाई रात को भी बारिश आई थी, और अभी भी बारिश का मौसम हो रहा, देख सकते हो। अपन तो चप्पल पहने और चलते हैं दाढ़ी, और हो सके तो बाल कटाएंगे। मेरा इतना मन है नहीं खास बाल कटाने का, बट तो थोड़े बहुत ऊपर से बड़े हो गए तो थोड़े से कटवा लूंगा। स्कूटी निकाल लिया तो चालू करते हैं, आगे चली जा चाची ना है। घर से बाहर तो निकला हूँ, तो यहाँ तो लोग थोड़ा बहुत निकल रहे हैं क्योंकि कॉलोनी साइड एरिया है, बट मेरे ख्याल मेन रोड में कोई नहीं निकल रहा होगा। मेन रोड में भी जाएंगे एक्चुअली, क्या मेरे को थोड़ा काम है दिल्ली साइड, तो अभी मैं बाल बाल कटा लूँ, खाना वाना खा लूँ, उसके बाद अपन चलेंगे दिल्ली साइड, लेके चलेंगे आपको, दिखाएंगे भाई क्या हो रहा है G20 में, और आपको हो सके तो प्रगति मैदान तक भी घुमा के लाएंगे। तो भाई मदर डेयरी, ATM सब बंद पड़े हैं भाई, सब बंद पड़ा है। भाई मैंने तो करा लिया, मेरे को तो नींद आ गई थी बीच सेशन में, मैंने करा हेयर कट, शेव क्या मतलब बियर्ड सेट कराई, मसाज कराया और शैम्पू कराई, भाई चार चीज़ कराई, उसमें ऐसी नींद आ रही थी मेरे को, ऐसी नींद आ रही थी क्या बताऊँ। अभी घर पहुँच रहे हैं, आ गए हैं घर पे, और डॉलर और पेनी के हाल देखे हैं। डॉलर भाई लोग फुल हाल से हो गए, क्या कर रहा था मेरी क्या, खाना वाना खा के वो काम वाली आंटी ने भी खाना डाल दिया था। वाह, तो वो काम वाली आंटी आती है ना, उन्हें पता है मम्मी नहीं है, तो वो कुत्ते का ध्यान मेरी तरफ से रखती है, खाना डाल गई थी, पानी भी चेंज कर गई होंगी शायद। तो अभी मैं नहाता हूँ, मम्मी की वीडियो भी अपलोड करनी है यार, मैं बताता हूँ आपको क्या सीन है। आगे निकला था मैं, और भाई जस्ट मेरे को मम्मी का ब्लॉग अपलोड करना था एक्चुअली, क्या मम्मी ने चैनल बना लिया, बट मम्मी काम खुद भी कुछ भी नहीं करती, वीडियो एडिटर एडिट करता है, थंबनेल मैं लगाता हूँ, वीडियो मैं अपलोड करता हूँ, टाइटल भी मैं लगाता हूँ, तो इस चक्कर में। बट मम्मी ने चैनल खोला है मम्मी जोन करके, आके भाई सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी अच्छी चल रही है मम्मी की वीडियो। चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक मैं भी दे दूँ, लिंक मैं चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ताकि सब्सक्राइब करो। ये अपना काम हो गया वीडियो अपलोड का, अब अपन निकल रहे हैं यहाँ से, अपन तैयार तो यूर हो गए हैं। और भाई मेरे को थोड़ा काम है, तो टियागो में CNG भी डलवानी है, और थोड़ा ऐसे भी काम है, और मेरा दोस्त एबिन भी मिलने वाला है मेरे को, चलते हैं आपको दिखा के लाते हैं भाई दिल्ली का क्या हाल है G20 में। तो डॉलर वगैरह तो यही है, ये देखो यहाँ बैठी है, वो वहाँ बैठा है, मस्ती कर रहे हैं दोनों, तो मैं 1 घंटे में आ जाऊँगा, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है। खाना पीना भी लेके आना भाई, सुबह से कुछ नहीं खाया, तो उतरते हैं गाड़ी में चलते हैं। नहीं बोतल रख दिया तो बंद करते हैं, कटते हैं गाड़ी में, पर लगे जाता बारिश होगी, वो बारिश हो भी गई तो कोई नहीं, और मेरा दोस्त है एबिन रस्ते में मिल जाएगा, पूरे बैठाते और चलते हैं भाई। बट देखने वाली चीज़ ये है भाई, रोड बहुत खाली हैं और सारी दुकानें बंद है भाई, सारी दुकानें, मतलब ऑफकोर्स परचून और ये हेयर कट वाले की तो दुकान खुली हुई है, जो बेसिक नेसेसिटीज है, उसके अलावा कपड़े कुपड़े की थोड़ी बंद है। रोड वेंडर तो बिल्कुल नहीं लग रहे, ठेले वाले होते थे ना
वो तो बिल्कुल ही नहीं लग रहे हैं। तो भाई काफी क्रेज ही ना भाई, काफी रिस्ट्रिक्शन है G20 को लेकर। तो भाई एबिन आ गया है अपने पास, हेलो बोल सबको। बट भाई अभी अपन निकले हैं घर से थोड़ी आगे, और भाई मौसम तो बढ़िया हो ही रहा है। बट भाई कल मैं निकला था ना, कल इतना ट्रैफिक नहीं था, आज थोड़ा ट्रैफिक है मे बी बिकॉज हम कॉल लेके थोड़े पास हैं। बट जब मेन रोड पे आएंगे ना भाई, मेरी तो फटके चार हो गई थी भाई कल मैं निकला था। नहीं चला बारिश है भाई, देखो भाई यही होता है भाई देश के, भाई ये भाई वोक नागरिक है, वोक नागरिक है, पता बारिश हो रही है भाई, अंदर बैठो करो सो, एक दिन मिलता है भाई। बंद नहीं कर रखा, बट बंदे बाहर नहीं निकल रहे, क्या ही करेंगे निकल के, बहुत डाइवर्जेंस है भाई। मैंने कल रात को एक फोटो ली थी, तेरे को फोटो दिखाता हूँ भाई, क्या क्या बंद है। चेक पोस्ट मिल गई, जैसे हम इनर सर्कल की तरफ जाते रहेंगे ना चेक पोस्ट बढ़ जाएंगे। बट हमें पहले CNG भरवानी है, क्योंकि भाई CNG खत्म है भाई, लगता भी है भाई इस पे। ऐसे मेरी फटते है ऐसे, जब भी ऐसे बाइक में चला रहा हूँ मैं ऐसे झुक जाता हूँ भाई, लगना चाहिए शायद 2 किलोमीटर ऊपर ही हो पे सीन है। तो अभी ऊपर चलते हैं, CNG भरवाते। CNG भाई पूरी खाली है, दिखाता हूँ क्या, पूरा पंप खाली है भाई, खोलू। अरे रुको भाई सब, सॉरी गलती हो गई, एक्साइटमेंट में ना मैंने खोली नहीं। पंप इतना खाली कैसे भाई, आज कोई आया ही नहीं क्या G20 के चक्कर में, वो सीन नहीं भरवा रहा भाई मेरे ख्याल, पेट्रोल गाड़ियाँ चल रही है। बात तो सही है। ये तो है CNG डली है 548 की भाई, CNG हो गया फुल। अब इसको लेके चलते हैं आगे, थोड़ा देख के आते हैं क्या सीन। देखो CNG की लाइन पूरी खाली है, जो 2-3 घंटे की हुआ करती थी। अब निकले अपन वहां से, जो मतलब भीड़ भड़का वाला एरिया, तो देखो भाई पूरी रोड खाली है, ना बंदा ना बंदे, उस साइड एक आधा गाड़ी चल रही है, वो भी मेरे ख्याल आगे जाएंगे तो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगी। ना रेस्टोरेंट्स खोले ना कोई खोले, ये भाई साहब पता नहीं अपने बंदे से बता रहे रोड पर खड़े हुए, पता वाली अलग है भाई। मतलब इक्का दुक्का गाड़ी चल रही है, वो भी आसपास की चले होंगे। अभी बिल्कुल रोड क्रॉस करते हैं ना, जो मतलब फ्लाईओवर पार करते हैं, आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल सन्नाटा है भाई। फ्लाईओवर भी बंद है, कल मैं गया था ना, कल ये खुला हुआ था, आज ये भी बंद है। तो बंद है या फिर जाने दे रहे, बंद ही है, बंद है। पुलिस वाले पूछ रहे होंगे किस खड़े हो, मोड़ रहे हैं ट्रैफिक को कि भाई ये कोई यूज नहीं कर रहा, इस रास्ते से जाएंगे, इस रास्ते से जाना पड़ेगा भाई। बहुत क्रेजी सीन है भाई, कट तो बढ़िया बना रखा है भाई, और मतलब इसको भी थोड़ा ब्यूटीफाई कर रखा है। वो देख भाई गोल्ड जिम कितना प्यारा लग रहा है। ये कब हुआ यहाँ पे? ये तो बहुत पहले से हो रखा था। हाँ तुम देखा नहीं, रात को और बढ़िया हो जाता है, लाइटें वाइटें जल जाती है, काम वाम करना होता है तो ऐसे निकल नहीं पाते। अच्छा भाई सही है भाई, अच्छा स्लेव है क्या तू, 9 to 5 स्लेव है क्या साला, स्लेव रेट रेस खेल रहा है क्या तू। कहा गया था कि मार्केट बंद होंगे, बट लाजपत नगर मार्केट खुला हुआ है, विच इज वेरी वियर्ड। अब ये बंदा मेरे को रोक रहा है, बट मेरे को गुस्सा आ रहा है, क्यों रोक रहा है। ऐसे लोग, ऐसे लोग हैंड ट्रैफिक में भी करते होते हैं भाई, रोड रेज का सीवियर केस है। अबे रोड रेज की बात ही नहीं है, चलती गाड़ी का हमें ऐसे रुक जाए। बहुत देर से ट्रैफिक में खड़े होते हैं एक्चुअली, क्या भाई लाजपत नगर और ये लोधी रोड से आगे भाई सब जगह बैरिकेड है, तो आप आगे जा ही नहीं सकते सेंटर की तरफ। आज तो बिल्कुल ही नाकाबंदी है, तो भाई लोग फिर भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेके जा रहे हैं, बट भाई मेरे तो बस की होने रही, प्लस बारिश भी आ रही है। तो मैं सोच रहा हूँ कुछ खाने पीने लेके घर चलते हैं भाई। ओके खाने पीने ले तो यहाँ से निकले तो आगे ट्रैफिक देखो, मैकडी चल सकते हैं, चल मैकडी चलते हैं, वहाँ लंच करते हैं, देखते हैं भाई कोई पब्लिक वेंडर होगा ना, मतलब ऐसे रोड वेंडर टाइप होगा ना, उससे बात करेंगे भाई कैसे चल रहा है G20 का, और बंदे को भाई खड़े खड़े करने दे रहे हैं नहीं करने दे रहे, वो देखते हैं। सब कुछ हटा दिया भाई, सब हटा दिया भाई, फुली हटाया। हमको दिख रहा था कि एक जाते हैं वो रेडी वाले को बिल्कुल सड़क पे गिरा दिया, उसे रेडी ही गिरा दिया भाई, लेके जाओ भाई, ये खराब बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। देख परमिट मैं समझता हूँ हर किसी पे नहीं होते, थोड़ा रिस्पेक्टिवली रिस्पेक्ट से बात कर लो। हाँ ये भी है, हो रहा भाई क्या हो गया, क्या हो गया भाई, पूरा गया क्या भाई। ओ भाई आंटी गिरी पड़ी है, फेंट हो गया, फेंट ऐसे कैसे भाई इतने अच्छे मौसम में, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हुआ होगा। लोग ये करते हैं छुट्टी वाले दिन साइकिलिंग पे निकल गए, क्या ही करेंगे टाइम क्या है भाई, और भाई जाओगे भी कहाँ, गाड़ी गुड़ी लेके कहीं जा भी नहीं सकते, तो साइकिल वालों को क्या ही बोले, साइकिल वालों को तो लॉकडाउन में नहीं बोल सकते थे, क्या बोलेंगे। मेरे को बड़े लगते हैं भाई ये वाले रेन सूट ना। अभी अपन आ गए PVR अनुपम, मेरे को भूख लग रही थी, इसको भी कुछ भूख लग रही थी, तो भाई यहाँ देखो यहाँ पे सारी दुकानें कैसी कर दी है भाई, क्लीन क्लीन कर दिया है, और ये भी भाई बहुत अच्छी, हाँ बोर्ड सताई है, कितना क्लीन कर दिया है। अपन आ गए थे मैकडॉनल्ड में भाई, मैंने मील ली थी भाई, मेरे को बहुत जोर से भूख लग रही थी तो मैंने ये सब लिया, बट भाई मैं देख रहा था एबिन ने लिया है महाराजा मैक, और भाई मैं हैरान हुई तेरे मुंह में फिट आया कैसे, इतना बड़ा मुंह कैसे खोल सकता है कोई इंसान। लोग अपन ने खा लिया है मैकडॉनल्ड्स, और
आई एम प्रेग्नेंट विद हिज चाइल्ड जेके जेके पेट भर गया मेरा भाई भाई अब बट यहाँ पे एक चीज देखने वाली होगी यहाँ पे लग गया एक फाउंटेन तो आपको फाउंटेन दिखाता हूँ बड़ा क्रेजी सा लग रहा है भाई ऐसा कब होगा कि तेरे ऑनर में एक फाउंटेन लगाया जाएगा मेरे ऑनर में ही तो है तेरे ऑनर में नहीं है भाई इतने टाइम से बीवेर नहीं आया तब तक तब नहीं थी आज मैं आया और आज है कि नहीं ये क्या बात है ये क्या बेवकूफ बनते हैं मैं भी भाई बहुत साल से जापान नहीं गया जब मैं अब जापान पहुंचूंगा ना बड़ा सिविलाइज्ड होगा अच्छी तो वाली बात कुछ भी अभी हम जा रहे थे तो भाई ऐसी बात हो रही तो मैंने कहा भाई मैं अगर कोई सुपर हीरो बनना चाहूँ तो मैं बैटमैन बनूंगा तो 50 बार बोल सकते हैं तो सुन ना सुपर क्या है बैटमैन इज मोर रिलेटेबल हां तो भाई बैटमैन इज मोर रिलेटेबल उस पर कोई सुपर पावर नहीं है और स्टिल वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो है डीसी में हां और भाई मेरे को कैसे चाटा मार के भाग गया अबे सुन मेरी बात और ये बंदा मेरे से कहता है ये से मैंने पूछा तू क्या बनेगा तो स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन बस स्पाइडरमैन की जिंदगी झंड है बंदी उसकी कोई ले गया माँ बाप उसके मर गए उसके आंट में भी मर गई ही लिव्स थ्रू स्ट्रगल ठीक है ही इज अ हीरो दैट तो तू लाइफ में स्ट्रगल करने वाला बनना चाहता है बैटमैन है पैसा पैसा और क्या है उसके पास बिचेस अजन चिके दिखा तो भाई अपना यार दोस्त मित्र आ गया एल्टन क्या हाल है भाई बढ़िया भाई जल्दी कैसे आ गया ऑफिस से भाई था तो जल्दी कैसे आ गया चुप रहा अगर जॉब छोड़ दे अरे तू जा रही बाद ले जो देख के माहौल भाई आज रोड खाली थी तो आई टुक दिस आउट ये कहता है ओला में तो ओटीपी लगा रहा होता है भाई 001 भाई क्या करे भाई वो पासवर्ड ही बता दे भाई आई विल चेंज इट तो भाई लोग अपन घर आ गए थे एक्चुअली क्या था एल्टन और एविन को ही घर जानता और भाई कोई अभी बाहर घूम नहीं रहा क्योंकि G20 का चक्कर है ज़्यादा मतलब फालतू अपन लोग तो निकल ही नहीं रहे मेरे सारे दोस्तों के घर वाले भी कंसर्न थे इसलिए सब घर ही चले गए तो भाई मैं तो हूँ इस टाइम घर पे अकेला डॉलर और पेनी के साथ मज़े करने वाला हूँ अपन और भाई ये ब्लॉग थोड़ा लंबा हो गया तो इस ब्लॉग को इतना ही रखते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैं बालकनी में आकर पता नहीं क्यों आउटरो बना रहा हूँ इतना ट्रैफिक खैर नहीं भी हो रहा है बट बंदे ऑन पे जा रहे हैं तो बस यार और अगर आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे तो मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आ रही होगी यहाँ पे फटाफट जाके फॉलो कर लो मेरी लाइफ की वाली अपडेट्स पाने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय।